जेयूआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइश गाह पहुंच गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज हैदर शेराजी से। हैदर, क्या तफसील कुछ पता चल सका, क्या अपडेट है आपके पास? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से आज मौलाना फजलुर रहमान के लिए जहराने का एहतमाम किया गया है और इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर कबल मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर की रहाइशगाह पहुंचे हैं और इस वक्त तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन वहां मौजूद हैं असद कैसर की रहाइशगाह पर। इसके अलावा तर्जमान तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान अखवानजादा हुसैन यूसुफ से भी मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस दौरान में शिरकत के लिए असद कैसर के घर पहुंचे तो असद कैसर ने उनको वेलकम किया है और ये आइनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुश्तरका अपोजिशन के साथ मिलकर फैसला किया कि इसको अपोज किया जाएगा तो इसी तनाजर में आज मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये जोराने का एहतमाम किया गया है जिसमें अभी मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे हैं और दीगर पीटीआई के सीनियर तो आईनी तरमीम से मुतालिक भी इस मुलाकात में बातचीत होगी, यानी कि ये उसी की कड़ी है कि कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा इनकी जानिब से भी? नहीं, ये इस हवाले से पीटीआई की सीनियर क़यादत से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये एक नशिस्त है जो मौलाना फजलुर रहमान के लिए हमने जोराने का एहतमाम किया है, इसमें गपशप होगी और जो गुज़िश्ता हफ्ते जो सियासी चहल पहल रही उस हवाले से गुफ्तगू तो होगी लेकिन किसी नए ड्राफ्ट या मामलात पर आज कुछ गुफ्तगू ज्यादा होने के इम्कान नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के लिए और साथी सीनियर क्यादत के लिए ये जोराना दिया गया है तो ये एक दावत है इसको चूंकि सियासी क्यादत यहाँ जोराने में शरीक होगी तो ऐसे जोरानों में शिरकत के मौका पर सियासी क्यादत अमूमन सियासी मामलात पर ही बहस करती है लेकिन कोई एजेंडा या फिर कोई आईनी मसौदे पर किसी किस्म की यहाँ पर बातचीत या गुफ्तगू हतमी मराहल में पर उस पर कोई हिकमत अमली तय नहीं होगी बल्कि ये जोहराना है जो कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए दिया गया है। ठीक है हैदर शेराजी, बहुत शुक्रिया, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। जब मौलाना फजलुर रहमान जब जोहराने पर असद कैसर के घर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, आज सर जोहराना है, आज जोहराना है। आरिफ अलवी साहब ठीक है, आरिफ अलवी साहब आप जोहराना है जी? मीडिया गाड़ी दल तरह मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसमें।